अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान अज़ीम है कि उसने हमें इस साल रमज़ान जैसे मुबारक और बाबरकत महीने में इबादतों का शर्फ बख्शा। अल्लाह का लाख एहसान है कि दो साल के कोरोना की सोबतें झेलने के बाद आज आलम इस्लाम अपनी इबादतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्राने में हम लोग मसरूफ़ हैं, और इन 30 दिनों के रोज़ों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईद उल फ़ित्र जैसा बेश कीमती तोहफ़ा हम लोगों को नवाज़ा। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मैं उस्ताद इब्राहिम, उस्ताद कोचिंग क्लासेस की जानिब से और किंजा प्री स्कूल की जानिब से तमाम आलम इस्लाम और मेरे हमवतन भाइयों को ईद उल फ़ित्र की पुरखलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए इस मौके पर हम इबादा करें, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में ये दुआ करें कि पुराने जो हालात से हम लोग दो चार हुए हैं, आइंदा ऐसे हालात तमाम आलम के लिए ना आएँ। अल्लाह तमाम आलम इंसानियत को अपने रहम व करम के साए में जगह दे। हम लोग इस बात की कोशिश भी करें कि जो नुकसानात हमारे पिछले दो साल पहले तालीमी नुकसानात हो चुके हैं उनकी भरपाई हो, और उसके लिए हम लोग कोशा हों। हम अपने नौनिहालों के लिए बेहतरीन कोशिश करें ताकि वो समाज में अच्छा मकाम हासिल कर सकें, अच्छे शहरी और अच्छे नागरिक बनकर ज़िंदगी गुजारें। मैं अल्लाह से फिर पुरखलूस दुआ करता हूँ कि वो आलम इस्लाम को और तमाम आलम इंसानियत को अमन के साए में जगा दें।